हे गाइस, आज इस वीडियो में जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला ना भाई, अपन ये ना भाई ये वर्साची ब्रांड के शूज को अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे। इस ब्रांड के अब तक कोई भी शूज को मैंने रिव्यू और अनबॉक्स नहीं किया मेरे चैनल पे, लेकिन जब इस ब्रांड के शूज अपन जब भी ऑनलाइन देखते हैं ना भाई, तो वो देख के काफी एक लगता है यार कि हाँ भाई, इसके शूज दिखने में काफी सही लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या ये शूज दिखने में ही अच्छे है या भाई इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। सबसे पहले जो नहीं पसंद आया ना गाइस, मैं वो शेयर करता हूँ। बॉक्स क्वालिटी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बॉक्स का जो कलर कॉम्बिनेशन कंपनी यूज करे ना भाई, वो बिल्कुल भी अंदर से वाइब नहीं आती कि भाई इसके अंदर कोई अच्छे शूज पैक हो गए। सेकंड जो अच्छी चीज मेरे को नहीं लगी भाई, इसकी एमआरपी ऑलमोस्ट 5,000 रुपए की एमआरपी रखी उन्होंने इस शूज की। एंड आई वॉज लाइक, अरे बरसाचे क्या कर रहे हो यार, इतनी एमआरपी क्यों? फिर इन्होंने एक बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट दे के मेरे को ये शूज सिर्फ 1-4 मतलब 1,300 रुपए के आसपास पड़े। ठीक है, मतलब भाई अगर आपको 1,300 में ही बेचने ना भाई, तो मैंने इसी कॉम्पिटिटिव ब्रांड से भी सिमिलर शूज मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया ना भाई, ज्यादा में ज्यादा 2,500 की उनकी एमआरपी थी, वो भी इंडिया की लीडिंग फुटवेयर ब्रांड्स की। ठीक है, तो भाई आप स्पेशली वर्साचे ब्रांड 5,000 की एमआरपी इस शूज की क्यों रख रहा है, जब आपको 1,300 में बेचना है? तो इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है यार कि भाई ऐसे ही सिमिलर शूज अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड, इस ब्रांड का देखेंगे तो लगेगा भाई 5,000 के शूज मेरे को 1,300 में मिल रहा है, और वैसे जो इंडियन ब्रांड और भी जो मतलब जो लीडिंग फुटवेयर ब्रांड्स है उनके भाई 2,500 की एमआरपी होगी, वो भी 1,300-1,400 रुपए के आसपास मिलता है। ठीक है, वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाए, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू इन चूजिंग द बेस्ट फुटवेयर अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड। अब देखते भाई ये शूज कैसे। सो गाइस, ये है वो शूज जिसके एमआरपी है 5,000 रुपए। एंड आई एम लाइक, नहीं यार 5,000 की वर्थ नहीं है इसकी। एक बार देखो भाई, 5,000 को अपने को लगना है साइड में, ठीक है, अपने को मिला कितने में भाई, 1,300 रुपए में। अब भाई 1,300 रुपए में क्या ये शूज अपने को लेना चाहिए या नहीं, लेट्स सी। सबसे पहले गाइस, क्या मैं ये शूज को अगर मैं हाथ में लू, बॉक्स में से निकालू, मुझे नहीं पता वर्साचे ब्रांड कौन है, क्या है, क्या कैसे कैसे शूज बनाता है बेसिकली, तो क्या मैं इसको बॉक्स से निकालूंगा तो मेरे को कैसा फील आएगा, मतलब क्या वो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने अच्छे ब्रांड के शूज लिए 1,300 रुपए के आसपास में, क्या वो प्रीमियमनेस लगेगी क्या? तो आई वुड से थम्स अप इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस ना गाइस, 1,300 रुपए के आसपास के सेगमेंट में ये काफी ठीक लगता है। लेट्स डू मोर डिटेल। कंपनी यहाँ पे अपर मटेरियल में गाइस मैस मटेरियल यूज कर रही है, अपर की स्ट्रेंथ और फील भी काफी अच्छी, मतलब ऐसा लगता है यार कि मतलब हाँ भाई कि ये ब्रांड एक विजन के साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब काम कर रहा, एक विजन है भाई कि हाँ मतलब को ब्रांड बनना। कंपनी यहाँ पे नेवी ब्लू कलर की आईलेट्स यूज कर रही है, उसको देखने में भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन विद ए ट्विस्ट ऑफ पी ग्रीन कलर। ठीक है, मतलब ऊपर की आईलेट्स में आपको पी ग्रीन कलर देखने मिल जाएगा, विच इज मैचिंग विद वर्साचे ब्रांड यहाँ पे, और उसकी इनसोल भी पी ग्रीन कलर की है, और टंग की ब्रांडिंग में भी नेवी ब्लू और पी ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने शूज में बहुत ही मिनिमल ब्रांडिंग किया, ठीक है, पीछे आपको इस तरफ और ये इस तरफ, और आपको ये इनसोल पे इस तरफ, और ये आपको टंग पे इस तरफ ब्रांडिंग मिल जाएगी। डिसेंट ब्रांडिंग है यार, ऐसा नहीं कि भाई सब जगह बस कंपनी का नाम 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 ही दिख रहा है अपने को। इस शूज की टंग कुशनिंग ओके है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी और एक फोम की शीट अंदर डालनी चाहिए तो और वो गद्दी गद्दी से फीलिंग आती। उसके अलावा कॉलर कुशनिंग भाई काफी अच्छी है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज गाइस, इस शूज में जो इनसोल कंपनी यूज कर रहे ना भाई, वो मेमोरी फोम इनसोल यूज कर रही है, जो कि हाथ में फील लेके भी काफी मजा है, पैर डालने के बाद तो भाई वो अलग ही गद्दे वाली फीलिंग आती है। ठीक है, उसके अलावा शूज में अंदर की तरफ जो लाइनिंग मटेरियल भी कंपनी यूज करे ना भाई, जब आप खुद पर्सनली ऐसा हार्ड डालोगे और अंदर फील करोगे ना भाई, तो बहुत ही मऊ लगे, मऊ मतलब बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, और एक मतलब हाँ मजा आएगा। इस शूज की यूएसपी क्या है, चलो देखो, मैंने इस टाइप के कॉन्सेप्ट के शूज मैंने ऑलरेडी एक आध ब्रांड के मैंने अनबॉक्स और रिव्यू किया, ठीक है, लेकिन ये शूज में क्या अच्छा लगा पता है क्या, कि इसका जो ये सोल वाला जो पार्ट है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई मीन गाइस, इस टाइप के शूज अपने को डेफिनेटली ऑनलाइन जब देखने में भी काफी अच्छे लगते, लेकिन जब एक्चुअल में खरीदते हो ना, जब आपके पास आता है ना, तब भी आपको काफी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने शूज लिए। इस टाइप के जितने भी आउटसोल होते हैं ना भाई, उसकी खासियत क्या होती है पता है क्या? नहीं पता, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि भाई यार क्या सोल है। द कलर कॉम्बिनेशन कंपनी जो यूज कर रही है सोल ने भाई, बहुत ही अच्छा है। आई मीन हाँ भाई, एकदम मस्त लगता है दिखने में। उसके अलावा आउटसोल की जो डिजाइन वगैरह ना भाई, मैं इसके जो ग्रूव मतलब जो गहराई है ना भाई, मैंने कैमरे में कैद की है, ठीक है, जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप लेने के पहले एकदम सेटिस्फाई हो जाओ यार कि हाँ भाई अच्छा इसकी डिजाइन ऐसी है। इस शूज की जो सोल की जो डाई होगी ना भाई, आई वुड से कंपनी ने काफी अच्छी डाई यूज की है इस शूज पे सोल लगाने के लिए, क्योंकि भाई देखो कंपनीज के पास बहुत ऑप्शन होते हैं भाई, क्योंकि एक यूनिट होता है जो खाली सोल 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 ही बनाता है। व्हेन दिस कंपनीज गो टू दोस कंपनी जो कि ऑलरेडी सोल बनाते, तो दे टेल देम के भाई शो मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल, और फिर जब कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई मैं इस शूज के अपर पे कौन सा सोल लगाऊं, तो कंपनी के इंजीनियर्स या कंपनी के जो भी डिजाइनर्स होते थे डिसाइड कि हां भाई मेरे को ये वाला सोल दे, मेरे को ये अपर पे ये सोल फिट करना है। आई मीन भाई वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगना चाहिए यार, वरना कुछ कंपनी यार जस्ट बिकॉज को शूज बनाने तो कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज करते जो कि अपने को वो पसंद भी नहीं आते, बट इन दिस केस गाइस दे आर यूजिंग रियली गुड कॉम्बिनेशन, मतलब एक अच्छा लगता है। फिनिशिंग की बात करूं शूज में गाइस, तो आई कैन इजीली गिव 8/10, मतलब ये कंपनी काफी ठीक फिनिशिंग कर रही है, मतलब आप समझो मेरी बात, 1200-1300 रुपए के आसपास में ये बजट में अगर ऐसी फिनिशिंग कंपनी दे रही है ना, ऐसी ऐसी कैसी ऐसी ऐसी, तो मानो मेरी बात, कंपनी इज डूइंग गुड जॉब, नॉट जॉब मेरे हिसाब से कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस। उसके अलावा क्या पता है कि जब मैंने शूज को पहना ना, पहनने के बाद पैर जैसे डाला अंदर,
बहुत अच्छा लगा, मतलब जो मेमोरी फोम इंसोल वाली जो फील थी ना भाई, वो काफी ऐसा फील हुई, लुक वाइज भी काफी अच्छा था। मतलब मेरे को ऐसा लगता ना भाई, ऐसे शूज को ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप रनिंग वनिंग के लिए जाओ तो यूज करो या फिर स्पोर्ट्स पर्पस के लिए यूज करो। आई एम लाइक कि अगर आप जींस वगैरह भी अगर पहन के अगर एक बहुत ही एकदम सुपर्ब अगर आउटफिट में जा रहे हो, ऐसे शूज आप पहनेंगे ना भाई, वो दिखने में बहुत क्लासी लगने वाला। वो भूल जाओ भाई लोग क्या बोलते, तुमको ये पसंद आता है ना अगर जींस के साथ पहनना तो बिंदास पहनो यार, ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखो भाई मेरे को तो अगर टी शर्ट जींस के साथ भी अगर मैं कोई एक ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स शूज पहनने होते ना भाई, तो मैं तो पहनता हूं भाई, ठीक है। आई डोंट केयर भाई सामने वाला मेरे को देख के क्या सोचा। सो गाइस आफ्टर वेयरिंग दिस द फिटिंग विटिंग वाइज भी काफी सही, मतलब हां फिटिंग वाइज तो कंपनी को मैं 9/10 दे सकता हूं। मतलब हां कंपनी ने फिटिंग वाइज बहुत अच्छा काम किया है। लुक वाइज एंड कलर कॉम्बिनेशन वाइज भी ये शूज काफी ठीक लगते हैं। एक गाइस एक वर्सेचे करके बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है भाई, तो मेरे को लगता है इन्होंने नाम भी ना थोड़ा मेरे को लग रहा है वैसे ही कुछ किया है, वर्सेचे मतलब इंडियन फ्लेवर डाला है वर्सेचे। आई डोंट नो शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा होगा, बट जो भी है वर्सेचे। सो गाइज इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं गाइज, क्या ये शूज रंजीत तू रिकमेंड करता है क्या अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को? आई वुड से यस गाइज, बिंदास लेना, बहुत ही बढ़िया शूज है। मैंने इसके पूरे इंस्पेक्शन कर लिया और आई एम डैम सेटिस्फाइड, ठीक है। कंपनी के तो काफी सारे शूज है यार, लेकिन मैंने ये मंगा ये रिव्यू किया, ठीक है। तो आई वुड से भाई ये शूज तो काफी सही है कंपनी के। आई मीन समवेयर अराउंड 1200 to 1300 के आसपास में ये काफी अच्छी डील होने वाली है। और भाई देखो अपन ने भी अपनी वेबसाइट डाल दी है, ठीक है, www.rprichwear.com। तो आई जस्ट वांट भाई कि आप कोशिश करो कि भाई एक प्रेफरेंस मुझे भी दे दिया करो यार, यहाँ चलो मैं तेरी वेबसाइट पे भी आके कुछ ना कुछ कभी ना कभी ले लेंगे। बिकॉज भाई आप लोग तो उससे थोड़े बहुत मैं पैसे बनाऊंगा, उससे इस चैनल को फंड होते रहेगा और मैं और भी नई नई ब्रांड्स के शूज को अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप एकदम बेस्ट फुटवेयर लो, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट यार कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करें। सो गाइस आगे से आप डेफिनेटली आपको फुटवेयर कभी खरीदना होना तो मेरे वेबसाइट पर आके देख लेना, ठीक है। आप वहां पर डेफिनेटली ऑर्डर्स वगैरह आप कर सकते हैं। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस। एंड हां भाई वेबसाइट डेफिनेटली चेक करना, rprichwear.com।